हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बायांसी, अर्थात उत्प्लावन। बायांसी पढ़ें उससे पहले एक डेफिनेशन आती है फ्लूइड। व्हाट इज फ्लूइड? तरल पदार्थ क्या होता है? द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड फ्लूइड। तरल पदार्थ वो पदार्थ होता है जो आसानी से बहने लग जाए, जो बहकर चले, उसे हम तरल पदार्थ कहते हैं। बायांसी में या उत्प्लावन में इस फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ये बायांसी है ये फ्लूइड में ही होता है। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करें बायांसी, व्हाट इज बायांसी और उत्प्लावन। आपने कभी ना कभी जरूर ऐसा ऑब्जर्वेशन किया होगा, किसी ऑब्जेक्ट को हम कुछ वेट एक एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, कुछ वेट होता है हर ऑब्जेक्ट में। मान लीजिए ये एक ब्रिक है और ब्रिक को हम उठाते हैं तो हमें कुछ वेट महसूस होगा। इसी ब्रिक को उठाकर हम एक लिक्विड में इमर्स करते हैं, लिक्विड में डुबोते हैं, हम देखेंगे इस ब्रिक का जो वेट एयर में था, लिक्विड में उस ब्रिक का वेट हमें कम फील होगा, हमें कम ऑब्जर्व होगा। इसके वेट में, इस ब्रिक के वेट में कमी आ जाती है जब हम इसको किसी लिक्विड में डुबोते हैं। इसी को हम उत्प्लावकता या उत्प्लावन कहेंगे, इसी को हम बायांसी कहेंगे। आइए अब हम बायांसी के डेफिनेशन के बारे में बात करें। व्हाट इज बायांसी? द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड। द अपवर्ड फोर्स, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इन एनी लिक्विड। जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबोया जाता है तो इसके वेट में कमी आ जाती है। इस टेंडेंसी को हम बायांसी कहेंगे। और जो ये ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम बायांट फोर्स कहेंगे, बायांट फोर्स या अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज द फोर्स, बायांट फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इन एनी लिक्विड, इट इज बायांसी, और दिस फोर्स इज कॉल्ड बायांट फोर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायांट फोर्स? बायांट फोर्स कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम देखिए, जब इस ब्रिक के कुछ पार्ट को ही इमर्स करते हैं, कम वॉल्यूम को इमर्स करते हैं, तो इसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स है वो कम लगता है। इसके वेट में जो कमी होती है वो कम होती है। जबकि जब इसका पूरे का पूरा वॉल्यूम इसके अंदर इमर्स कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है, तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगता है, इसके वेट में कमी और ज्यादा हो जाती है। इट मीन जो फर्स्ट फैक्टर है विच अफेक्ट द बायांट फोर्स इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ज्यादा तो बायांट फोर्स भी ज्यादा। द बायांट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ज्यादा है तो बायांट फोर्स भी ज्यादा लगेगा, वॉल्यूम कम है तो बायांट फोर्स भी कम लगेगा। एंड सेकेंड फैक्टर इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देखिए ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, यदि इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो बायांट फोर्स भी ज्यादा लगेगा, अपथ्रस्ट भी ज्यादा लगता है। यदि इसकी डेंसिटी कम है तो बायांट फोर्स भी कम लगेगा। लोहे का जो बहुत बड़ा कोई एक प्रकार से स्लैब है, वो भी फ्लूइड के ऊपर तैर सकता है। कंडीशन ये है यदि इस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो, जैसे मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए जो बहुत बड़ा जो पीस ऑफ आयरन है, इट कैन आल्सो फ्लोट,
ऑन दिस मरकरी लिक्विड। मरकरी के ऊपर जो बहुत हैवी जो लिक्विड है वो भी तैर सकता है। जो बायंट फोर्स है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। जो बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके अंदर, इस लिक्विड के अंदर डूबने के लिए, इस लिक्विड के अंदर इमर्स होने के लिए कुछ लिक्विड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। कितना डिस्प्लेस करेगा? जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। और जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है वो उसके इक्वल बायंट फोर्स होगा, या यूं कह लीजिए डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट है उस वेट के इक्वल इस ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाएगा। मान लीजिए उस जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इसका वेट इस ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस वाटर के अंदर या इस लिक्विड के फ्लूइड के अंदर फ्लोट करेगी। और यदि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कम है इस ऑब्जेक्ट के वेट से देन दिस ऑब्जेक्ट विल सिंक इन दैट लिक्विड। तो ये था बायंट फोर्स और बायंसी उत्प्लावन। उत्प्लावन वो बल होता है, उत्प्लावन बल वो बल होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है जब वो ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर डुबोया जाता है। और जो ये बायंसी है या उत्प्लावन बल है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और जो बायंट फोर्स है इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और यदि अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।